हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट न्यूज़ अपडेट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और एक्सपर्ट गौतम गंभीर का जो प्रोजेक्ट था क्रिकेट लीग शुरू करने का अपनी ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो उसकी शुरुआत होगी नवंबर 30, 2021 से। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग का नाम रखा गया है उसको, और इस ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 टीमें होंगी जो कि पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें जीतने वाली टीम को 30 लाख रुपये कैश मिलेगा, जो रनर अप होंगे उनको 20 लाख रुपये मिलेगा। ये चीज़ इन्फॉर्म करी है जो क्लोज सोर्सेज हैं गंभीर से रिलेटेड, उन्होंने बताया इसको। इसके बारे में जो ट्रायल्स हैं प्लेयर्स के सिलेक्शन से लेकर, वो 17 से 36 साल की एज ग्रुप के जो खिलाड़ी होंगे का ट्रायल्स होगा, और ये ट्रायल होगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसकी शुरुआत होगी संडे से। जो ट्रायल्स है आपको बता देता हूँ, 25 खिलाड़ियों का होगा 10 टीमों के बीच में, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स को ईस्ट दिल्ली में, और ये ट्रायल चलेंगे नवंबर 25 तक। जो टीम है उनका भी नाम रख दिया गया है, टीम का नाम बता देता हूँ, गांधीनगर ग्लेडिएटर्स है, उसके बाद कृष्णा नगर रॉयल्स है, पटपड़गंज पैंथर्स हैं, ओखला टाइगर्स हैं, शहादरा एवेंजर्स हैं, विश्वास नगर डेविल्स हैं, कोंडली किंग्स हैं, उसके बाद जंगपुरा लॉयंस हैं, लक्ष्मी नगर वॉरियर्स हैं और त्रिलोकपुरी स्टार्स हैं। तो ये तो टीमें होंगी। इसके बाद आपको बता देता हूँ, ये जो लीग मैचेस होंगे वो खेले जाएंगे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिनको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है रणजी ट्रॉफी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और 2 इंटरनेशनल लेवल की ड्रेसिंग रूम्स हैं उसमें, 4 पिचेस हैं, प्रैक्टिस पिचेस हैं, फ्लडलाइट की व्यवस्था है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, और उसके साथ साथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंस्टॉल किया गया है विद द इंटरवेंशन ऑफ गौतम गंभीर। और ये जो मैचेस हैं आपको बता देता हूँ, उनको टेलीकास्ट भी किया जाएगा यूट्यूब पर, और एक ऐप जो है उसको भी डेवलप किया गया है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर पर्पज से रिलेटेड, इस लीग की को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो मैन ऑफ द मैच है, सीरीज है, बेस्ट बॉलर है, बैट्समैन है, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। सो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है गौतम गंभीर के द्वारा, जिन्होंने भारत के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मेजर जो वर्ल्ड कप्स है, चाहे वो 2007 का जो भारत जीता था या 2011 का जो भारत जीता था, दोनों में अगर आप सोल परफॉर्मेंस देखते हैं, वैसे तो कई सारे थे लेकिन गौतम गंभीर ने स्टैंड आउट किया था उन दोनों वर्ल्ड कप्स में जिसमें भारत ने जीत हासिल करी, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनके द्वारा। आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इसमें प्रोत्साहित होंगे, इसमें आप कह सकते हैं इनसे इंस्पिरेशन डराइव करेंगे, और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होने चाहिए जिससे ज़्यादा टैलेंट जो है निकल कर बाहर आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित।